सरकारी तंत्र फेल हुआ तो हजारों एकड़ जमीन बचाने किसानों संग खुद उतरे विधायक रोमी। पहले अड़चन दूर करने को मुख्यमंत्री को भेजी वीडियो, फिर शुरू करवाया नाला खुदाई का काम। 1 किलोमीटर तक किसानों संग खुदाई करवा कर काफी हद तक मोड़ दी पानी की धार। मकनपुर, बिल्हिया, फुलवरिया, बंसीनगर, फरसहिया, अतरनगर, देवीपुर, गजरौला, चंबरबोध समेत दर्जनों गांव के किसानों के हजारों एकड़ खेत सोहेली नदी के सल्टिंग की वजह से सालों साल पहले से जलमग्न हो चुके थे और भयानक बाढ़ आने लगी थी। गरीब किसान खेतों में पानी होने के चलते भूखमरी की कगार पर आ गए। इसको लेकर किसान वर्ष 2016 में विधायक रोमी सानी से मिले और मौके हालात दिखाए। विधायक की लगातार कोशिशों के बाद सोहेली की डिस्टिलिंग के पिछले वर्ष करीब 12 करोड़ रुपए का बजट भी पास हुआ, लेकिन वन विभाग के NOC नहीं मिली, जिससे यहाँ के हालात जैसे के तैसे रहे। सरकारी तंत्र महज NOC की राह में किसानों की बर्बादी देखता रहा, तब विधायक रोमी सानी का सब्र का बांध टूटा और किसानों को बर्बादी खत्म करने के लिए उन्होंने किसानों से बात करके घूमी हुई सोहेली की धार को नकहुआ नाले में पहुंचाने का एक विकल्प निकाला और इसी पर किसानों के साथ काम शुरू किया। आखिर वह दिन भी आ गया जब किसानों के चेहरे की से खुशी से चेहरे खिल उठे और सोहेली की धार को नकहुआ नाले की ओर मोड़ दिया गया। इस वजह से विधायक की खूब चर्चा हो रही है और इस इलाके में किसानों का कहना है कि वो विधायक नहीं मशिया है। ब्यूरो चीफ सिकंदर अली, लखीमपुर के लिए। उनके काम आएगी, उनकी रोजी रोटी चलेगी, किसानों को उपज का दाम मिलेगा, किसानों के घरों में खुशहाली आएगी, इसके लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है। आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश और ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर फॉरेस्ट वाले हमको इसमें कोई परेशान करें या अड़ंगा लगाएं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपका आशीर्वाद जरूरी है, वरना ये फिर 15 साल से आज सड़कों पर हैं, फिर सड़कों पर आएंगे। इन किसानों की मदद करनी है हम लोगों को, हमारी सरकार है, हम लोग इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। हम आपसे आशीर्वाद लेने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि अगर हमको कभी रात भर